अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बदरपुर हनी ट्रैप मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बदरपुर से पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा के बेटे नील शर्मा को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। इससे पहले इस मामले में नारायण दत्त शर्मा के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने एनडी शर्मा के रिश्तेदार को इस मामले में जुड़े होने के कारण जेल भेज दिया। नील शर्मा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर नारायण दत्त शर्मा को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। तो समाज सेवी सरजीत चौकन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, नारायण दत्त शर्मा के पहले साले का लड़का, अब नारायण दत्त शर्मा जी के लड़के का नाम इसमें आ रहा है और बताया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। नारायण दत्त शर्मा ने यहाँ तक कि अपने लड़के को खुद लेके गए थाने, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, ये तो एक कहा जाता है कि मैं खुद लेकर के गया। अगर जो पेश नहीं करता तो पुलिस वहाँ से लेकर के जाती। एक महीने से फरार था, मुझे एक बात बताओ ना, अगर जो वो नहीं पकड़ते पुलिस पकड़ के ले जाती। वो तो आदमी कहता ही है तो कि भाई मैं अपने आप ही लेकर के चला गया, लेकिन पुलिस ने बोल दिया था या तो अभी आ रहे हम वहाँ पर, तो लेकर के चला गया तो जाना ही पड़ता, नहीं तो पुलिस आ जाती। पहले साले के लड़के का नाम, अब उनके लड़के का नाम क्या कहना चाहेंगे भैया? इतना घिलौना काम, इतना बुरा काम, इतनी ओछी राजनीति हमने तो इस क्षेत्र में कभी नहीं देखी। भाई भगवान से हाथ जोड़ते, प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ये बहुत ही गिरा हुआ काम किया जिन्होंने। अब उनने मेरे ख्याल से आज अदालत में भी पेश किया है शायद पुलिस वालों ने। हाँ, एक दिन का रिमांड मिला है पुलिस से। देखो जी, अदालत में भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को भी ठेस पहुंची है कि इस प्रकार का एक जिम्मेवार व्यक्ति या उसका परिवार इस प्रकार का काम करता है, उसके बच्चे इस प्रकार का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक हरकत है ये। एक बात बताओ भैया, सब यहाँ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, पहले भी नेता थे, पहले भी विधायक थे मेरे भाई। जब से इनका देखा भैया, इनका तो अनोखा ही कुछ लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया क्यों इस प्रकार का कर रहे हैं। नारायण शर्मा जी का तो ऐसा कहना है कि मुझे न्याय व्यवस्था पे, अपने न्यायालय पे भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है, मेरे लड़के भाई बाहर आएगा। मेरी बात सुनो, अगर जब न्याय पे इतना बढ़िया भरोसा था तो जब इतने दिन से चिल्ला रहे थे तो, और इतने दिन से फिर फरार क्यों कर रखा था लड़का, उसको पहले ही भेज देता, आज कल ही क्यों पेश करा था वो। तो बदरपुर हनी ट्रैप मामले में नारायण शर्मा के लड़के का, नील शर्मा का नाम आने में क्या प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के लोग देंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसी कड़ी में आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं ओम बिहार के। तो नारायण दत्त शर्मा जी के लड़के को नारायण दत्त शर्मा जी ने पुलिस के हवाले कहा किया है, क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम, लड़के का नाम आया, पहले उनके साले के लड़के का नाम और अब नारायण दत्त शर्मा के लड़के का नाम। देखिए जी, पुलिस जब तहकीकात करती है ना तो किसी को छोड़ती नहीं है, वो पूरे सूत्रों को निकालती है कि कौन कौन बीच में है इसके, उसमें तहकीकात होती है, उसमें समय लगता है। समय वो आ गया कि किसने इसकी शुरुआत करी, जो डाटा अमेरिका के थ्रू आया। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, जाके खुद गिरफ्तारी उनको देनी पड़ी। उनको देनी क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वो खुद गिरफ्तारी नहीं देते तो पुलिस उनके घर पर खुद आ जाती, क्योंकि उनका लड़का पिछले 8 से 10 दिन से फरार चल रहा था। और वह गिरफ्तारी देते टाइम भी राजनीति को सामने लेके आ रहे हैं और इस तरीके से गिरफ्तारी दे रहे हैं, इस तरीके से बात बोल रहे हैं कि भगत सिंह की मां ने भी भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया था और मैं अपने लड़के का, मैं लड़का जेल भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भगत सिंह की तुलना आप अपने लड़के से करते हैं? भगत सिंह की तुलना, भगत सिंह, वह भगत सिंह जिसने पूरे देश को, पूरे देश के लिए अपना समर्पण कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दे दिया, परंतु आपके लड़के ने ऐसी गंदी घिनौनी हरकत जो करी, ऐसे षड्यंत्र जो रचे, ऐसे षड्यंत्रों पर आपको शर्म आनी चाहिए और अपनी तुलना को भगत सिंह से तुलना को करनी बंद कर देनी चाहिए। नरेंद्र शर्मा जी के वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के द्वारा ऐसा दर्शाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं तरुण चौधरी जी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो तरुण चौधरी जी के ऊपर सवाल उठ रहे थे,
जिस तरीके से श्री राम सिंह नेताजी ने बदरपुर की सेवा करी, उसी तरीके से आज भाई तरुण चौधरी जी युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। और उनका नेचर भी पूरा रामचरित की तरह नेचर है, पूरा जो उनका व्यवहार है वो पूरी विधानसभा को साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी तरीके को उनको देखते हुए उन्होंने सोचा कि उनके चरित्र पर उंगली उठा दी जाए, परंतु राम सिंह नेताजी जिन्होंने पूरे बदरपुर विधानसभा की सेवा करी है, उसी तरीके से जब यह व्यक्ति यह लोग जब भाई तरुण चौधरी पर उंगली उठा सकते हैं, तो हम यह कहना चाहते हैं बदरपुर विधानसभा के किसी के भी बच्चे के ऊपर यह इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हमें इस तरह की राजनीति से दूर रहकर, इस तरह के लोगों से दूर रहकर हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, ना कि इस तरह की गंदी राजनीति करनी चाहिए। बदरपुर हनी ट्रैप मामले में एक ताज़ा खबर सामने आई है, पूर्व विधायक नारायण शर्मा जी के लड़के को जो कि पुलिस के अभी हिरासत में है, उनका नाम सामने आया है। तो हमारे साथ वीरेंद्र प्रजापति हैं जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तो सर, पहले नरेंद्र शर्मा जी के साले के लड़के का इसमें नाम आना और अब नरेंद्र शर्मा जी के लड़के का नाम आना, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है और उस जांच में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, ये लोग इस प्रकरण में शामिल थे। क्योंकि हम लोगों ने तो केवल और केवल अपने साथ हुए इस अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी, फिर पुलिस ने अपनी जांच में विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से जानकारी जुटाई और पहले जो भतीजा उनका था नरेंद्र शर्मा जी का पवन, उसको गिरफ्तार किया क्योंकि वह मुख्य कर्ता धर्ता था। लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है मुख्य रूप से नरेंद्र शर्मा के बेटे नीलदत्त शर्मा की, वह पुलिस की जांच में सामने आया है कि वह भी इस प्रकरण में शामिल था। इंस्टाग्राम की रिपोर्ट, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम की रिपोर्ट के अंदर जो कि इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर से आई है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी इस प्रकरण में शामिल था और राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ ये लोग ये कार्य कर रहे थे। और पुलिस पूरे पुख्ता सबूतों के बाद पुलिस ने नरेंद्र शर्मा के बेटे को गिरफ्तार किया है। इसमें कोई भी लांग लपेट वाली बात ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई पुलिस पर दबाव नहीं है। पुलिस जो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए और जिस कार्रवाई की आवश्यकता है, पुलिस वो कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ने हर उस स्रोत को जांचने की कोशिश की, पुलिस ने हर उस पहलू को जांचा और परखा, उसके बाद ये इस आज जो नीलदत्त शर्मा की जो रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है वो सब पुलिस ने कोर्ट के अंदर दिखाया है। और जज साहब ने सब चीज़ों को देखा समझा और पुलिस को एक दिन की रिमांड पर नरेंद्र शर्मा के बेटे नीलदत्त शर्मा को भेजा है, क्योंकि कोर्ट को इस बात का संदेह है कि निश्चित रूप से यह लड़का भी इस प्रकरण में शामिल है और यह जो कार्य जो हुआ है ये संपूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेष के कारण इन लोगों ने किया है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।